Yo, what's going on guys? I'm a friend Gaur and I'm back with another cool video. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी किसी भी गाड़ी के ऊपर से एक स्क्रैच को किस तरह सिर्फ 5 मिनट और सिर्फ 5 रुपए में हटा सकते हैं। क्योंकि कई बार गाइस क्या होता है, हमारी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लग जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और हम डायरेक्टली किसी गैराज वाले के पास या किसी शोरूम वाले के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ हमें 1000-2000 रुपये लेकर लूट लेते हैं। सो इट्स बेटर कि हम हमारे पैसे वेस्ट ना करें और सही यूटिलाइज करें। ऑल्सो गाइज, मैं इस चैनल के ऊपर कंपेरिजन वीडियो, वाई टू और वाई नॉट टू वीडियोज, रिव्यू वीडियोस, डूज एंड डोंट्स और ऐसे कई सारे अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ गाइस। सो मेक श्योर टू वॉच ऑल द वीडियोस, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो बेसिकली गाइस, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो है कोलगेट या आपके कोई भी रेगुलर बेसिस पर यूज होने वाला पेस्ट, और दूसरी चीज़ आपको एक गीले कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। सो पहले स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप है कि आपको अपना स्क्रैच एनालाइज करना होगा कि आपका स्क्रैच ज़्यादा डीप डाउन तो नहीं कटा। अगर ज़्यादा डीप डाउन कट गया है तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। आपको थोड़ा सा अगर कटा है, क्योंकि अगर आपका स्क्रैच ज़्यादा डीप डाउन कट गया है तो आपका पहले तो पेंट चला जाएगा, अगर पेंट चला गया तो उसको हम किसी भी तरह से नहीं ला सकते वापस। दूसरी चीज़, अगर वो ज़्यादा डीप डाउन नहीं कटा है तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्क्रैच के ऊपर आप ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सो इस टाइप का जो स्क्रैच है यहाँ पर, या इस टाइप के जो यहाँ पर कई सारे स्क्रैचेस हुए हुए हैं, उस टाइप के स्क्रैच के ऊपर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए, इतना सा जितना मेरे उंगली पर है, जितना आप रेगुलर बेसिस पर अपने ब्रश पर लेते हैं, और उसको अपने डायरेक्टली फिंगर से अप्लाई कर दीजिए उस जगह पर। बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, थोड़ा ही रब करना है। पूरा अच्छे से उसको स्प्रेड कर दीजिए और स्प्रेड करने के बाद 5 मिनट के लिए आपको रुकना है। 5 मिनट के लिए चलिए हम रुक जाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो गाइज, अब 5 मिनट हो गए हैं। सो चलिए देखते हैं कि ये स्क्रैच गायब हुआ या नहीं हुआ। सो मैंने गीला कपड़ा तो कर ही दिया ऑलरेडी, सो चलिए इसे मिटा कर देखते हैं। थोड़ा सा हार्ड रब करना पड़ेगा आपको ताकि ये पूरा रिमूव हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर अब कोई स्क्रैच नहीं है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था, अभी से 5 मिनट पहले, कि यहाँ पर स्क्रैच था और अब नहीं है। और अगर है भी तो बहुत बारीक सा यहाँ पर दिख सकता है, बहुत ही बारीक। उसे भी अगर मैं एकदम अच्छे से क्लीन कर दूँ तो वो नहीं दिख रहा है, और पहले वो दिख रहा था हमारी नेकेड आइज से, पर अब वो नहीं दिख रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और अगर ये वीडियो 20 लाइक्स क्रॉस करता है तो मैं सून आपके साथ एक नया ऑटोमोबाइल हैक शेयर करूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। It's caught in the crossfire.